आलसी और नेता टाइप आधा काम न करें, सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं कि आने वाले हर व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। हम राजस्थान में गर्मियों में आते हैं और कश्मीर हम सर्दियों में जाते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं सर इसका, ये भानगढ़ है, यहाँ पे हम 3 साल पहले गए। अभी क्या, अभी लेपर्ड था अंदर, राजा थे वो तो। अच्छा, यहाँ के राजा थे। जी, बैग का रख लें। आपका नाम? जो मैन भी दिखेगा आप पाइप से देखने को मिलेगा। बोला जाता है कि रावण ने अपने समय पर यहाँ पे स्टे किया था। सांसें तेज हो गई है डियर भाई जी। अब ये फर्स्ट सफारी डेस्टिनेशन है, ये एडवेंचर करते हुए हम मेरे पास। वरी हेलो ब्रो, हाउ आर यू? वो देख रहे हैं कौन से सरदार जी आ चुके हैं दिल्ली से। ये यहाँ पर एलिजाबेथ रहती थी। देखिए कितना एडवेंचर करते हुए हम। ऑफ रोडिंग क्या होती है 4x4 में, यहाँ से सीखिए। मजे आ रहे नजारों के, नजारे नजारे ही नजारे, बहुत बढ़िया। सामने आ रही है टनल, जाएंगे और अच्छा सा व्यू लगाएंगे। है ना खूबसूरत, बढ़िया एकदम। तो कैसा लगा टनल व्यू? बढ़िया, एंजॉय कीजिए। सब कुछ आप ही के लिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर। हमारा उल्टा हिसाब है, हम राजस्थान में गर्मियों में आते हैं और कश्मीर हम सर्दियों में जाते हैं। हमारा हिसाब उल्टा है, लेकिन जिंदगी का क्यों, सब कुछ आपके लिए, आपकी बदौलत हम हैं सारे के सारे। मैं आरएसके लाइफ और मेरा भाई एमएस राइडर, दोनों आपकी बदौलत। नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो 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 राइडर को, बहुत बढ़िया छा गए सारे। एक्चुअली हुआ क्या, हम रुक गए थे टनल के शॉट के लिए और ये हमारी वेट करते रह गए। कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता रहता है दोस्ती यारी में, सब चलता है। क्यों भाई, ओके। राजस्थान टूरिज्म के सरिस्का सेंचुरी बाघ परियोजन सरिस्का। फिलहाल हम खड़े हैं सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट पे, इधर सरिस्का नेशनल पार्क पे। सरिस्का सेंचुरी के सब रेट लिखे हुए हैं, जिप्सी एंट्री फी 100-200, गाइड के साथ अगर लेना है भारतीय लोगों के लिए 20 रुपये, फॉरनर्स के लिए 200 रुपये, बाला किला के लिए 1000, बाला किला सुगंध 1200-2200, ये सब यहाँ पे बोर्ड लगा है। और ये भी एक कुछ है, ये भी आपको दिखा देते कि अगर आप लोग यहाँ पे आए तो इनको फॉलो करें, ये रूल्स हैं यहाँ के। इनको आप स्टॉप करके पॉज करके रूल्स पढ़ सकते हैं, क्या है क्या नहीं, कौन कौन सी प्लेसेस है, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं राजस्थान में विजिट करने के लिए, ये चेक कीजिए। मौसी रानी का ये म्यूज़ियम है, ये होप सर्कस, ये है सरिस्का जहाँ पर हम इस टाइम खड़े हैं, ये सिली शहर, उसके नीचे फतेह जंग, पुरजन विहार, ये भानगढ़ है, यहाँ पे हम 3 साल पहले गए थे। और ये है नीलकंठ मंदिर और ये नीम राणा की बाउली। तो यहाँ पे कुछ 12-13 स्पॉट्स हैं राजस्थान में मेन जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, जिनकी फ़ोटोज़ वगैरह दी गई हैं विद डिस्टेंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बताया गया है, बाला किला फोर्ट में ना क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखनी है सरिस्का की, तो वो खड़ी जीप वो 5 लोगों के लेगी 1493 रुपीज़। 1.5 घंटे का रूट है, यहीं से छोड़ती है, ये जो मेन गेट है, और यहीं पे आके आपको उतार देगी। बाघ दिखे, चीता दिखे, शेर दिखे, बकरी भेड़ जो भी दिखे, सब यही रोड, ये रोड है सीधी सीधी अंदर को जाएगी है।
यहाँ पे मैं और मोहित पहुँच चुके हैं, पंकज सूरज रवि पीछे हैं आ रहे हैं, बट बैड न्यूज़ इज बाला किला इज क्लोज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क। देखते हैं क्या करते हैं आगे। है यहाँ से मिलती है टिकट, बट अभी हम रुके पड़े हैं, भाई लोग आ चुके हैं, पंकज रवि वगैरह सूरज वो देखो वो खड़े, बिछड़ गए थे हम लेकिन अब आ गए हैं। भाई साहब प्यास बड़ी लग रही है, पानी वानी है तो पिलाओ यार। पानी है आपका। शुभ नाम भाई जी? मैडम सतीश कुमार सोनी। मैडम सर? अच्छा हम सर हैं भाई जी, मैडम नहीं है। सात दिनों का रूल क्या बताओ? सात दिनों का रूल ये है कि इसमें टू व्हीलर तो क्या मंगल और शनिवार अलाउड करके ओनली फॉर टेंपल के लिए और फोर्थ तक के लिए। अच्छा फोर व्हीलर तो आप अपने रूल्स अपने व्हीकल को लेकर फोर्थ तक जा सकते हैं। फोर्थ बंद है फिलहाल अभी। क्यों बंद है? 2023 तक फिलहाल उसका रेनोवेशन चल रहा है। 2023 तक? हाँ उसका रेनोवेशन चल रहा है, लास्ट तक चलेगा 2023 लास्ट। फीस क्या लगती है वहाँ तक की? देखो ये फर्स्ट किले की फीस नहीं है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टिकट है का। अच्छा फर्स्ट स्टैंडर्ड टिकट है, ठीक है। इसका एंट्री टिकट होगा, जैसे फोर व्हीलर लेकर आते हैं 50 रुपये गाड़ी के, 50 रुपये हाँ, 10 रुपये पर पर्सन टिकट होगा सर उसका। प्रेजेंट में तो आप इस समय जिप्सी ले सकते हैं, वो जो गाड़ी होगा ऑन रोड जिप्सी मिल जाएगी। जिप्सी आपको ऑफ रोडिंग ऑन रोड और टेम्पल जो बने वो सारे विजिट कराएगी। फीस क्या लगेगी? टोटल आपका विजिट होगा 20 से 22 किलोमीटर का विजिट होगा, जिसका फीस होगा टोटल 5% होगा, 1493 रुपये का टिकट होगा आपका। और इसका बिगर टिकट समय क्या लोगे? समय कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टूर है सर। 1.5 से 2 घंटे का टूर अभी लेपर्ड था अंदर दिखता है ऑन रोड कभी। नहीं धूप ज्यादा जैसे पड़ रही है तो फिर क्योंकि होता है पानी के पॉइंट पे एनिमल्स का भी पानी भी पीने भी आता है ऑन रोड भी। अच्छा वो किया हुआ है सब सेटअप? शूट नहीं कर सकते? वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। अच्छा वहाँ पर नहीं है, अंदर नहीं है? देखो अपने व्हीकल से आप जाते हैं तो वीडियो शूटिंग तो उसमें खेल अलाउड नहीं है। अच्छा जिस चीज आप जाएंगे तो आप खाली फोटो खींचा सकते हैं आपको वहाँ पे जाके, शूटिंग तो वो भी नहीं करा पाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी थी। ऑनलाइन पेमेंट करनी है, 1400 समथिंग है, 1500 राउंड में मान लो 5 लोगों के लिए। वाइल्ड लाइफ दिखाएंगे आपको आज सर, इसका वाइल्ड लाइफ इन अलवर हिस्ट्री बताओ यार हमें क्या है बताओ। अब बाला किला की हिस्ट्री क्या है? ये बाला किला 1049 का बना हुआ है। 1049 से? हाँ अलगू राय ने बनाया हुआ था ये। हाँ जी किन्ने? अलगू राय ने। वो कौन थे? राजा थे वो तो। अच्छा यहाँ के राजा थे? हाँ। अरे अच्छा फिर और बताओ ना, सब बताओ। 1049 में बनाया था अपना अलगू राय जी ने, अपना गढ़ बसाया था अलवर। फैमिली साथ में रहती थी उनके? बिल्कुल सारी प्रजा भी यहीं रहती थी। उसके बाद उसके वंशज चलते आ रहे हैं, कभी कोई आ गया, यहाँ कई राजाओं ने यहाँ पे बदलाव किया है, कभी यहाँ अपने आज की डेट में है कोई उनकी? हाँ है ना, भंवर जितेंद्र सिंह जी है। कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर ही? हाँ यहाँ ही है अपने भंवर, फूल सिंह फूलबाग में रहते हैं अपने सिटी में। कोई बात नहीं, आइए आइए, अगर आप पूरा देखें ना ऊपर दिखाता हूँ आपको, देखिए वहाँ से स्टार्ट है वो, अगर आप देख रहे होंगे वहाँ से सारी बाउंड्री है, ये ऐसे ऐसे एज पे वो सारा फोर्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बंद है अभी सारा, देखिए अब वो भाई साहब गए हैं, मिस्टर पंकज वो देखो वो जा रहे हैं, ठीक है मिल बांट के ही काम होता है, टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा है नहीं। बाकी जैसे ही चढ़ते हैं आपको दिखाते हैं आगे, पहले टिकट आने दो, बैग दे रहे हैं भाई। दीदी दीदी बैग का रख लें, बैग रख लिया मेरा, पंकज का रख लिया, ये बैठी दीदी हमारी, ये रही टिकट भाई ने ले लिए, अब हम निकल रहे हैं आगे। आप लेके जाओगे? आपका नाम? प्रिया जी। कहाँ से आप प्रिया जी? यहीं से हो? अरे बढ़िया बहुत अच्छा है। चलिए हो गया, वीरे ने फाइनल कर दिया, कोई सतीश जी है, पहले जा रही थी प्रिया जी जो मैंने आपको पहले दिखाई, अब जाएंगे सतीश जी। सतीश जी कौन है? सतीश आ जाओ, अच्छा जा रहे हैं, लेकिन अब ये गाड़ी में करवा फाइनली जद्दोजहद के बाद सतीश जी हमारे साथ चल रहे हैं, और थोड़ा लफड़ा होता है रजिस्ट्री में एंट्री वेंट्री का, कि पहले प्रिया जी जा रहे थे फिर सतीश जी जा रहे हैं, तो आगे पीछे नाम होता है। ये हमारी जीप है, तूने कहाँ बैठना है बता, पीछे बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठो 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 बैठो। ये एक सफारी आई है अभी, तो हम जा रहे हैं। ओके गाइस चलो निकल चल रही है हमारी सफारी अपना सबके साथ, थोड़ा बहुत सबका साथ सबका कंफ्यूजन हो गई थी फीस को लेके, गाइड को लेके, अपने राइडर्स को लेके, लेकिन सेटल हो गया। के ऑन द वे।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्र है, बोलते हैं बफर क्षेत्र सरसर टाइगर रिजर्व का। अच्छा जी, इसके अंदर व्यू ऑफ द वैली आपको लेफ्ट वाला भी देखिए, सबसे सुंदर व्यू अरावली का। हाँ, ये वाला व्यू अरावली का बोलते हैं बाउल वैली। देखिए अरावली हिल्स है ना, ये अरावली हिल्स की सबसे सुंदर वैली, सबसे सुंदर वैली अरावली हिल्स। अलवर स्टेट की पूरी की देखिए, पूरी अरावली हिल्स है ये सबसे सुंदर यहाँ की हिल है। ये चेक कीजिए सर, ब्यूटीफुल बाउल वैली बोला जाता है। जो मेन व्यू दिखेगा आपको हाइट से देखने को मिलेगा, बढ़िया आइडियल पॉइंट अलवर जिले का सबसे हाइट वाला किला। चलिए चलिए, चलिए।, चलिए। आपको लेफ्ट ऑफ द विलेज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका नाम लगा रावण देवरा। बताते हैं कि रावण ने भी कुछ समय जले की जगह के अंदर डेरा डाला है। रावण ने, रावण ने खुद, अच्छा उसी का विलेज का नाम लगा रावण डेरा विलेज। रावण डेरा विलेज लेफ्ट में नीचे, यह रावण डेरा नीचे की साइड पे एक विलेज है। बोला जाता है कि रावण ने अपने समय पर यहाँ पे स्टे किया था। सतीश जी बता रहे हैं, इसके आप देखिए रावली के बीचों में एक टेंपल को भी दिखा देंगे। दिनेश जी रोकिए, देखिए रावली के बीचों में आपको एक ग्रीन शेड का टेंपल दिखा, देखिए वाला दिखा बीचों बीच। हाँ, वो रहा वो रहा वो रहा, इसको जम्बू सारा बोला जाता है। बताते हैं कि इस अरावली के बीचों बीच बताते हैं जो अम्मा जी की, जो राम जी की सेना में जामन जी थे जी, उनके द्वारा कुछ समय स्टे किया गया, कुछ समय तपस्या की गई थी। अच्छा, बोलते रहिए। तो इसी कारण जगह को नाम बोला, इसको बोला जाता है जम्बू साना। तो इसी कारण जगह जम्बू साला, जम्बू साना के नाम से आज भी जाना देते हैं। ओके ओके, जम्बू जामन जी के नाम से। सर जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अरावली बनी हुई है, इसके बीच में सारा गेट बना हुआ है। अच्छा। इसका नाम रखा है चांदपोल गेट, ये फर्स्ट किले की बाउंड्री वॉल्स का। देखिए यही वाला साइड वाला गेट, ये वाला टाइप बीच। ओके ओके ओके, इसका नाम है चांदपोल, फर्स्ट किले की बाउंड्री वॉल्स। वो गेट है भाई ऊपर, चांदपोल, चांदपोल गेट है, चांदपोल फर्स्ट गेट है, फर्स्ट गेट ऑफ ग्रीन्स का, फॉल ऑफ ग्रीन्स। बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा ही आ रहा है आपको। सफारी का व्यू, सफारी का मजा सब आपके लिए। फारस के लाइफ डू सब्सक्राइब, पहाड़ी के इलाके में धीरे धीरे चढ़ रहे हैं आप इस समय। ओके, सी लेवल से 2000 फीट हम ऊपर है, सी लेवल से जाएंगे। घुस गए हम बंदर। फोटो सेशन चल रहा है हमारा, ये देखिए फोटो सेशन अरावली हिल्स में, अरावली हिल्स। अब हमारी तो खैर वाले फोन से सब लगे पड़े हैं, मजा चल रहा है भाई साहब, फोटो शूट चल गया। ये डियर है, घबराए हुए, इसकी सांसें देखो तेज होगी, सांसें तेज होगी डियर भाई की, उसके पास नहीं जाने दे रहे वगैरह। यहीं से इसका नाम है सर सांबा डियर मेल, सांबा डियर भाई, ये सांबा डियर था मेल है। ये है यहाँ पे मंदिर, बोलिए भाई बता दें कि चंडी माता मंदिर, मंदिर जो आपके सामने राजस्थान में बने हुए हैं। हाँ। राजस्थान के इस तरह के दो मंदिर है, इसका जो फर्स्ट मंदिर है वो बीकानेर देश में बना हुआ है, फर्स्ट मंदिर। इसके अलावा दूसरा मंदिर लाल जंगल के बीचों बीच बना, उसको बोलते हैं चंडी माता। ये क्या सागर क्या भाई, ये सर फर्स्ट रूट है जंगल से। अच्छा ये फर्स्ट रूट है, अच्छा अब यहाँ से जाएगी नीचे। अब ये फर्स्ट सफारी डेस्टिनेशन है, ये पीछे कुछ सीन चल रहे हैं इनका, जो हमारे गाइड हैं भाई साहब वो समझा रहे हैं इनको। जंगल सफारी का फर्स्ट जोन इसका नाम है ये जंगल सफारी, डाउन साइड में जाते हैं जंगल सफारी। अब यहाँ से शुरू हुई है ये एडवेंचर करते हुए हम यहाँ पे है मेरे पास। वोरी वोरी वोरी, अरे पानी की बॉटल गिर गई है मेरी, वीर जी लेने गए। कबूतर कबूतर कबूतर, अबे साले, अबे ठीक है शांति।
सिंगल डियर, उसका एक बेबी डियर है। अच्छा बेबी डियर भी है। देखो वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता टोटल ये रहे, ये रहे, ये देखिए डियर मेल फीमेल सारे। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये इसकी माँ है, ये इसका बच्चा। देखिए देख रहा जंगल के अंदर कौन कौन से वुमेन्स अभी। अच्छा पूरा आ जा भाई, तो सही में यार ये तो मेरा 4x2 की कोई जिप्सी कोई गाड़ी चलती नहीं, इसमें चलती नहीं, चलेगी नहीं। 4x4 ही जाएगी भाजी इधर। वापसी का रूट भी सेम है? सेम, यही वो रिटर्न। अच्छा यही रूट है राइट का। वो देखिए और ये नीचे यहाँ पर हिरन मिलते हुए, ये हिरन मिलते हुए वो देख रहे हैं कौन से सरदार जी आ चुके हैं दिल्ली से। पानी का पॉइंट, ये पानी का पॉइंट है, यहीं पे नहाते हैं खाते पीते सो जाते हैं। यानी इसका बहुत बड़ा ड्रिंकिंग पॉइंट है। ये देखिए ये यहाँ पर एलिजाबेथ रहती थी, हाँ पर हमेशा दिया जलाने आया करती थी। बिल्कुल दिया ही बुझ जा। नीचे हो जाओ भाई, तो हुआ नीचे ही हुआ। ओ दो भाई देखिए कितना एडवेंचर करते हुए हम बैठे। पीकॉक बोल रहा है, तुझे लब तुझे बड़ा पता है रोड बंद है, दिख नहीं रहा यहाँ पे। ओहो अच्छा, वो पीछे जाना है ना, पीछे बैठने के लिए वहाँ जाएंगे। बस सही चल रही सफारी है। हम एलिजाबेथ का ये स्विमिंग पूल है। ओह माय गॉड, 500 साल पहले का ये पूल था और ये पूरा हम कांटा पाजी कांटा कांटा लगा। ये रहा मोर, देखिए मोर 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 भाग गया भाग गया भाग गया। दो दो मोर, वंस मोर। ये माता के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। ये शिव मंदिर है जी। चलिए शिव मंदिर माता देख लो, ये देख लो शिव जी का मंदिर है और वो सामने माता जी का मंदिर है। अब यहाँ पर दो मंदिर है, शिव जी का और माता जी का मंदिर। दोनों ले आइए दोनों। ये यहाँ के पंडित जी हमारे, जय माता दी। जय माता दी। ये माता जी का मंदिर है, फिलहाल लाइट नहीं है। ये यहाँ के पंडित जी हमारे, प्रसाद जय माता दी पंडित जी, जय माता दी। मंदिर में माथा टेक लिया, प्रसाद ले लिया है। जंगल के बीचों बीच दो मंदिर, मंदिर में माथा टेक लिया एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी सफारी को। बॉटल रख लो आगे। ये सूरज बैठ गया मेरा भाई, ये पंकज भाई आ रहे हैं, ये बैठ गया मैं, ये भाई हमारे सतीश जी, ये हमारे गाड़ी के ड्राइवर राइडर। चलो भाई जी अब होगी सफारी अच्छी से, कंटिन्यू करते हैं। बैटिंग सीजन जैसे स्टार्ट हुआ है, हाँ उस बैटिंग सीजन में क्या करता है कि हमें गाड़ी को टक्कर देता है। सही में इतना मजा आ रहा है। ये फैमिली है, डियर फैमिली, डियर फैमिली है, ये बहुत बड़ा झुंड है इनका। ऑफ रोडिंग क्या होती है 4x4 में यहाँ से सीखी है। वाह सही बात है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है क्लियर। हम बढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट की ओर। हेलो गाइस, हेलो हेलो मौसम चेंज, मौसम चेंज, बादल काले। सही पहले तो धोखा दे दिया खड़ा जी, पहले तो बहुत धूप थी, बहुत धूप थी, अब धूप गई। और ये देखिए इतनी हरियाली, मजा आ गया घर में। जंगल के सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं हम, जंगल सफारी बड़ा मजा। वाला किला है।
है, बालक किला फोर्ट अलवर जिले का सबसे हाईएस्ट टॉप पॉइंट है। ओके, इसके अलावा आप टॉप को लेके चलेंगे किले के व्यू पॉइंट इसके लेफ्ट में बने हुए हैं। अच्छा, ये सामने आपके बाला किला है, ये बाला किला किले के बगल से पानी पड़ रहा है, अंदर तो जाना नहीं है ना। बार बार से फाइनली बाला किला पहुंच चुके हैं, जिसके पीछे हम इधर आए हैं। ये है इसकी एंट्रेंस, ये जो फूल है ये शिवजी पर चढ़ाया जाता है। शिवजी जो बाला किला है ना, उसका टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक, और यहाँ पे बोर्ड भी लगा है, इसकी हिस्ट्री इसकी ज्योग्राफी सब यहीं पर है। ये देखिए बाला किला के टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे आगे। आपको एक वर्ड पता है, एडवेंचर, दैट इज़ वी आर डूइंग राइट नाउ, सफारी नाउ ट्रैकिंग। हमारे गाइड साहब सतीश जी गाइड करते हुए जाते हुए, ये है वॉल, ये देखिए वो डियर, देखिए डियर डियर डियर, ये डियर देख रहे हैं, हिरन बाबा जपना। एक मिनट जी, ये उखड़ रहा है, इसको हाथ लगा, कुछ नहीं पड़ेगा, ये हिलाते पेड़ से चढ़ के सीढ़ियों पर आए, वो लोग आ रहे हैं पकड़ने की आदत है, तो ये बिना पकड़े। सामने देखिए जो काम हो रहा है ना उधर, वो देखिए, और हम जा रहे हैं ऊपर ऐसे। ये पूरा अलवर शहर है, अलवर सिटी, इसका बढ़िया व्यू ऊपर से आएगा। और ये वैली है पीछे की साइड पे, ब्यूटीफुल, और उधर सारा पीछे अलवर शहर। ये व्यू पॉइंट है बाला किले से, जा रहे हैं नीचे वापिस। वो देखिए वो जा रहे हैं सतीश जी, हम भी वहीं से जाएंगे। ये अलवर सिटी, ये पाजी किले से नीचे उतर रहे हैं आराम से। ओ काटे हैं इसमें, ओ पाजी, वो आ रहे हैं मेरे भाई लोग। गिलहरी चली, ये तो वगैरह मैंने शॉर्टकट रूट बना के सर, ये वाला गिलहरी। अच्छा ये वैली, तो इसका मेन तो सीढ़ी वाली ना, हां हां, फिर ऊपर चढ़ के फिर यहां पे चलना पड़ता है। सतीश जी ने जेंट्स के लिए स्पेशल शॉर्टकट ढूंढ के रखा हुआ है, जितने जेंट्स विजिटर्स टूरिस्ट यहां पे पहुंचते हैं ना, सतीश जी इनको यहीं से ले जाते हैं व्यू पॉइंट की ओर टॉप पे। अब हम सतीश जी के पीछे पीछे चल रहे हैं जिप्सी में, क्योंकि बहुत से पॉइंट देखने बाकी हैं अभी हमारे पास। चलिए ये सारे पीछे आ रहे हैं, टोटल लोग पीछे आ रहे हैं हमारे, फोटो शूट कर लिया। Each and every bit of a thing we have taken. Now we are going towards our gypsy, and after that the third point. बाला किला को अलविदा कहते हैं। जब ये खुल जाएगा सन 2023 के लास्ट में, फिर हम यहाँ पे विजिट करेंगे, रिविजिट। आगे बाहर की साइड ये बाला किला की एंट्रेंस है। गुड बाय बाला किला, गुड बाय। सामने खड़ी हमारी सफारी, वो देखिए वो आ रही है, ये इस पर हम चढ़ेंगे अब, ये मोड़ेंगे अभी। ये देखिए हिरन, गुड बाय हिरन, गुड बाय, नहीं पंगे नहीं, गुड बाय। गाड़ी चलिए चलिए, बाला फोर्ट गुड बाय, हिरन गुड बाय। सवाल ही पैदा नहीं होता, चल रहे वापस टॉप पॉइंट से, गुड बाय। सेकेंडली थर्ड पॉइंट है हमारा, और ये सतीश जी गए हैं गेट खोलने, गेट खोलेंगे और हम इसके अंदर। यहाँ पे मिलते जानवर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने देखा, वो देखो वो रहा। देखिए ये आ गया रोड पे, ये भाग रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, बेटा सेफ्टी से जाइयो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जंगली जानवर, टाइगर, चीता, ब्लैक पैंथर एंड ऑल दैट, वो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेंगे, अगर किस्मत अच्छी तो जरूर देखेंगे। ये पानी का पॉइंट है जो कि नेवला क्या, और मेरे मुंह के अंदर क्या मच्छर, ये या नेवला उड़ गया।
यहाँ पे कहीं से किसी भी साइड से चीता ब्लैक पैंथर कुछ भी आ सकता है। वो देखिए मोर आ गया, मोर यहाँ पे, मोर ही मोर है, मोर मोर बेचे जाने मन। चीता लेपर्ड ब्लैक पैंथर अगर दिख गया ना तो मोचा ही मोचा। मोहित वो डायलॉग क्या था, आए हाय आए हाय मजे, ओ मोर मोर के मजे, आई लव यू टू। ये सारा जंगल एरिया है टोटल, कहीं से कुछ भी हो सकता है, तो सावधानी आपकी अपनी हाथ में है। पूरा मजा चल रहा है, सारे मजा कर रहे हैं, ब्लॉग शूट हो रहा है सभी का, सभी कुछ ना कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये जा रहे ऊपर को, हम वेट कर रहे हैं कि कोई चीता ब्लैक पैंथर दिख जाए, देख रहे हैं कहीं तो नजर आएगा, कहीं तो पानी पीता रोटी खाता कुछ तो जानवर खाता दिख जाए, कुछ तो दिखे, वही देख रहे हैं कुछ तो दिखेगा शायद। पेड़ों के पीछे भी हरकत हो रही है उधर, भारी हरकत हो रही है उधर, तो यहाँ नहीं होंगे, अंदर की साइड पे होंगे वो, बाहर बाहर नहीं होते। आगे की साइड पे पानी की बाउली है, कोई प्राचीन बाउली पानी वाली वगैरह, 40 मीटर की दूरी पर है, देख लो बहुत सुंदर है। सतीश जी के साथ जा रहे हैं आगे चेक करने। पानी स्टोरेज हो चुका है हाँ भाजी, कुछ दिन पहले पिछले सबसे रेन थी क्या, हाँ सारा पानी इसमें स्टोरेज हो चुका है बहुत सारा भी। अच्छा यहीं की साइड में स्टोरेज, तो यानी फिर तो फुल होगा, फुल नहीं है फिर थोड़ा है, हाफ होगा, हाफ से थोड़ा सा, हाफ से थोड़ा कम। अब यहाँ पर क्या है कि राइट लेफ्ट थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। टाइगर से सुंदर लेपर्ड होता, कहाँ पे मिला था आपको, जंगल के अंदर बैठा हुआ था। अच्छा, यहीं पर ही, मैं नीचे था उस समय, बिल्कुल ऊपर राइट पे था उस समय, लेपर्ड अंदर यहीं पर ही, यहीं पर इसी पॉइंट के अंदर। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये है बाउली, पर सतीश जी हमको बता रहे थे कि यहाँ की साइड पे चीता मिला था उनको उस जगह पर। हार्वेस्टिंग का पॉइंट है, इसका नाम रखा है सूरज कुंड। ये सूरज कुंड है, ये सूरज कुंड बाउली है जो 1000 ईयर बैक, समसम बता दो सर 900 इयर्स ओल्ड, 900 साल, वही 1000 साल मान लो, ये वही है, पूरी प्राचीन है। बारिश के पानी से भर जाती है कुछ, नहीं तो सूखी रहती है। उस तरफ लेपर्ड था बैठा हुआ और ये उनका आमना सामना हुआ, लेकिन अगर कहीं आपको मिल जाए तो गाइड और राइडर के साथ ही रहें, सतर्क रहें, होशियारी जानलेवा है, ध्यान रखें, ठीक है, हाँ जरूरत से ज्यादा। बताते इसका और इस पॉइंट का कैपर ओवर फ्लो भी हो चुका है। ये बता रहे कि ये जो स्केयर में है ना, ये 10 से 12 फीट और नीचे है, यानी ये जो फुलफिल्ड है ना, ये फिलिंग के बाद भी 12 फुट नीचे और है। क्या बात है, वो देखिए हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, वो वहाँ से और रूट से हमको वहाँ से पहुँचते हुए घूमते फिरते अब ऐसे जिगजैग मारते हुए यहाँ पे आ गए, वो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अपने बाहर घूम फिर के वापस अब लग रही है अपनी जगह पे। सतीश जी का शुक्रिया करेंगे पहले, अभी तो गाड़ी से उतर के पानी की बोतल है इधर। सतीश जी थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम, थैंक्स अ लॉट, प्लीज हग यू। का नाम जान सकता हूँ पहले, नाम बताइए ना, ज्योति जी और ये कौन है, उनका नाम नहीं पूछा सुबह से, बबली जी, ज्योति जी और बबली जी ने बहुत साथ दिया, जैसे तैसे करके हमने घूम फिर लिया, ठीक है जी, थैंक्स अ लॉट, मगर आप हिंद, जय हिंद, ओके ओके सतीश जी जा रहे हैं जी, ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं और सरिस्का से एक्सपीरियंस अच्छा था, अब निकल रहे हैं अलवर सिटी, वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फ़ोन बैटरी वगैरह कैमरा वैमरा चार्ज करेंगे, फिर वहाँ से खा पी के सीधा बैक टू दिल्ली नॉन स्टॉप, अगर एक स्टॉपेज लेंगे तो लेंगे, रात तक दिल्ली पहुँचना है क्योंकि कल सुबह काम पे जाना है। चले बैठे सवारी पे, सरिस्का को कहते हैं अलविदा, अलविदा गुड बाय सरिस्का, गुड बाय गुड बाय गुड बाय। जूस पी रहे भाई साहब, जूस, क्या लोगे बताओ,
मैंगो शेक है आइसक्रीम के साथ, चार बना दो भाजी चार। हम पीछे बैठ रहे हैं, ये मैंगो जूस बनाएगा, मैंगो शेक सर। जय बाबा की, बैठते हैं भाजी, जूस वूस पी लिया, मैंगो शेक पी लिया, अब हम निकल रहे हैं। अब या तो रुकेंगे मानेसर सीधा, या तो देखते हैं कहाँ रुकना। चलो जी, चलो, गुड बाय मैंगो शेक, गुड बाय, गुड बाय। रुके मानेसर से थोड़ा पहले, तो अपना पानी वानी भर रहा हूँ, उसमें पानी भर ले थोड़ा, मोहित हो रहा पेट्रोल गिरवा रहा, पानी पीना ठीक है। आवर बाइक रॉयल एनफील्ड, अभी हम यहाँ पे अगर रुकेंगे तो मानेसर के बाद रुकेंगे कहीं, अगर रुके तो, क्योंकि यहाँ से गुड़गांव दिखा रहा 42 और दिल्ली दिखा रहा 77, देखते हैं अभी। हाँ बाप कहीं नहीं जाने, देसी जुगाड़ डन। मोहित के बैग पीछे लुप्ती बांध ली, उसका बैग बार बार बाहर आ रहा था इसलिए। चलो अब निकल रहे हैं पेट्रोल पंप से, सूरज रवि सूरज पंकज सब आगे निकल चुके हैं, मौसमी का जूस पी रहे हैं अब हम। चलो जूस वूस पी लिया है हमने, अबे क्या लपेटने में लगे, हमको भी दो, हमको भी दो, और कुछ पीछे कर लो। लपेटो लपेटो जूस पी लिया मौसमी का, बहुत मजा आ गया। अब हम निकल रहे हैं अपने अपने घरों की ओर, यहाँ से ले लिया संजयनगर का रास्ता हमने, जहाँ पर मैंने सालों साल स्पेंड किया था, यहाँ पर मेरा स्कूल टाइम, मेरा घर, मेरे दोस्त, मेरे से स्कूल के फ्रेंड्स सब यहीं पर है, मेरा भाई गैरी और रमनदीप सिंह यहीं पर रहने वाले हैं, यहाँ पर रहता है मनप्रीत सिंह गरेवाल गैरी, और आगे रहता है रमन द्वारका में। बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे जो भी आपने खाना, राजस्थानी से लेकर पंजाबी तक, साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन तक, सब कुछ मिलेगा, ईस्ट वेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल सब कुछ टोटल। लेफ्ट ले ले, हाँ हाँ लेफ्ट ले, सीधा ले ले। मेरा स्टेशन ऑफ तिलक नगर, बहुत सालों बाद यहाँ पे आया और बहुत सही लग रहा। वो खड़ा भाई हमारा रवि और पंकज, पता नहीं क्या है वो। अब यहाँ से हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर, बाबूजी खड़े हमारे, सीधा सीधा यहाँ से रवि भाई हो गए हमारे साथ, ये है रवि भाई। अब हम दो से तीन हो गए, फैमिली हमारी बढ़ चुकी है, जा रहा है रवि भाई, जा रहे हैं, ओके भाई, ओके बाय बाय, आराम से जाओ। कुछ ही क्षणों में हम अपने घर पहुँचने वाले हैं, आप लोगों के कमेंट्स ही, आप लोगों के लाइक्स ही हमारा मोटिवेशनल सपोर्ट है, और आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाए, अच्छा व्लॉग बनाए कि आप और आपकी फैमिली देख सके। तो ये हमारा आज का व्लॉग फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान। चलिए मेरी जान, और अगर यहाँ तक आपको व्लॉग अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट।